मानसून सीजन के अंतिम चरण में होने वाली बारिश से फिलहाल पूरी तरह से राहत नहीं मिल पा रही है, जहां एक ओर मौसम विभाग ने प्रदेश के कई पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश के दौरान हुए नुकसान का पूरी तरह से विभागीय अधिकारी आंकलन नहीं कर पा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के आलाधिकारी मानसून सीजन की विदाई का इंतजार कर रहे हैं, ताकि बारिश के दौरान जो मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं और बारिश के दौरान जितने भी पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, इन सभी का आंकलन किया जा सके। साथ ही जिन मोटर मार्गों और पुलों को बारिश के चलते नुकसान पहुंचा है, उनको दोबारा से ठीक किया जा सके। ऐसे में उम्मीद की जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ बारिश के सिलसिले के रुकने की, ताकि विभाग के स्तर पर हुए नुकसान के बाद विकास कार्य को फिर से पटरी पर लाया जा सके। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि बारिश के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान पहाड़ी जनपद में हुआ है। कुमाऊं मंडल के जिलों में भी काफी नुकसान हुआ है, जिसका आंकलन किया जा रहा है। देखिए, एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि रिपेयर में जितना पैसा लगेगा या रेस्टोरेशन में जो पैसा लगेगा, उसके हिसाब से हम अपना कैलकुलेशन बताते हैं। क्योंकि अभी चल रहा है, प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है, डिस्ट्रिक्ट से आती रहती है। फाइनल फिगर हम लोग कुछ थोड़ा और टाइम लगेगा, उसके बाद हम लोग बता पाएंगे। सर, क्या आपके संज्ञान में कोई ऐसी भी सड़कें आई हैं कि जिनकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए हों, जो आपने खुद मॉनिटर किया हो? सर, यानी देखिए, अभी गुणवत्ता पर तो कोई ऐसी बात नहीं आई है मेरे सामने, बट ये जरूर है कि कहीं कहीं पर गड्ढे वगैरह की शिकायत आती रही है, तो उसमें खुद मैंने भी देखा है कई जगह पर जाके, और बाकी अधिकारियों को भी भेजा गया है चेक करने के लिए। और बारिश के दौरान इसीलिए बिटुमिन वाला काम नहीं होता है, क्योंकि बारिश में अगर वो हो, उसको अगर हम लोग करते हैं तो वो टिकेगा नहीं, वो खराब हो जाएगा। कुछ इस तरीके का सर हमें बता पाएंगे कि कौन से क्षेत्रों में ज़्यादा नुकसान हुआ, सड़कों पर या पुलों के लिहाज से? देखिए, पौड़ी जिले में ज़्यादा नुकसान हुआ था, और बारिश जो है वो हरिद्वार, उत्तरकाशी और बागेश्वर में जो है, जो नॉर्मल बारिश उससे ज़्यादा हुई थी बारिश नुकसान, लेकिन पौड़ी जिले में ज़्यादा हुआ था। और क्योंकि गढ़वाल साइड में ओवरऑल ज़्यादा बारिश हुई है कुमाऊं के कंपैरिजन में, तो नुकसान भी गढ़वाल की तरफ कंसंट्रेटेड है।